हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माँ का प्यार स्वादानुसार। त्योहारों के मौसम में अक्सर हमारे घर पे कुछ ना कुछ मीठा बनते रहता है और ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या स्पेशल मीठा बनाएं जिससे हमारे घर वाले भी खुश हो जाएं और हमारे मेहमान भी इम्प्रेस हो जाएं। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक स्पेशल मीठा बनाएंगे जिससे आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप गोविंद भोग राइस लिया है, जिसे अच्छी तरह से धोकर पानी में आधे घंटे के लिए सोख कर लेना है। अगर आपको गोविंद भोग राइस नहीं मिले तो आप यहाँ पर बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पॉट में हमने 1 लीटर दूध लिया है और उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें सोख किए हुए चावल डालेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। आपने इसे ध्यान रखना है, लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये दूध है तो तुरंत तली से लग जाएगा तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो बस आपने इसे चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट में चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे, गल जाएंगे। जब चावल अच्छी तरह से गल जाएगा, चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम विस्क की हेल्प से लेकर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, बिल्कुल घोट देंगे। बिल्कुल घुट जाना चाहिए चावल, ताकि ये पता ना चले कि हमने इसमें चावल का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 4.5 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, जो कि 1 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसमें आप ज़्यादा चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें 2 कुटी हुई हरी इलायची डालेंगे। कुछ मीठा बनाएं और स्पेशल हो तो उसमें हम कश्मीर का केसर ना डालें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम इसमें केसर भी डाल देंगे थोड़ा सा, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आता है। 10 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। बिल्कुल थिक क्रीमी सा हमारा खीर तैयार हो रहा है। अब इसका सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट है पनीर। हम इसमें 1/2 कप हाथों से क्रश किया हुआ पनीर डालेंगे। जब आप पनीर को क्रश करें ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपने इसे बहुत बारीक बहुत महीन नहीं क्रश करना है। इसमें थोड़े से चंक्स रहेंगे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर 1/2 कप, जो कि खीर को और भी ज़्यादा गाढ़ा मज़ेदार बनाएगा और खोआ का काम करेगा। तो हमने इसमें 1/2 कप ड्राई मिल्क पाउडर डाला। 10 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे लो फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा, खीर अब गाढ़ी हो चुकी है तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच केवड़ा डालेंगे और उसके साथ ही हम अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम और काजू का इस्तेमाल किया। आपको जो पसंद है आप वो डालें। अब हमारा खीर बिल्कुल रेडी हो चुका है परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। तो हम अपनी गर्मा गर्म खीर को इन मिट्टी के छोटे छोटे प्यालों में सर्व करेंगे। इसे अच्छी तरह से हमने धोकर और 1/2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। खीर को हम इसमें निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये खीर बनकर तैयार होता है। बड़ी आसानी से खीर बन जाता है और ये खाने में बिल्कुल आपको रसमलाई सा टेस्ट आएगा। आपके गेस्ट या आपके घर वाले गेस नहीं कर पाएंगे कि आपने इनमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने ये खीर तैयार की है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे। तो गार्निश के लिए यहाँ पे मैंने दरदरा पिस्ता इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही हमने इस तरह से बादाम को 20 से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, उसे हम लगाएंगे। और कुछ पे हमने इस तरह से कटे हुए काजू डाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे खीर तैयार हो रहे हैं। और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इसमें रोज़ पेटल्स लगाएंगे, ड्राई रोज़ पेटल्स, और उसके साथ ही हम इसमें चांदी का वर्क लगाएंगे। तो बेहद लजीज मज़ेदार खीर को अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।